तो एनडीए के उम्मीदवार जहां आज नामांकन करेंगे, तो वहीं मिशन महामहिम पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई है। सपा विधायक और सांसदों की यह बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। अखिलेश यादव 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्ष उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई और दलों ने समर्थन दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा, किस तरीके से वोटिंग होनी है, तमाम चीजों को समझाने के लिए अखिलेश यादव ने सुबह 10:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों की। तो आपको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के विधायक सांसदों की वोट वैल्यू सबसे ज्यादा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने विपक्ष को और मजबूत करने के लिए अपने सभी सांसद और विधायकों की एक मीटिंग बुलाई है। तो चलिए पक्ष से विपक्ष तक किस तरीके की तैयारी है ये समझते हैं। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड से आपको रिपोर्ट देंगे तो समझने में आसानी रहेगी। देखिए, दिल्ली से अविनाश तिवारी हैं तो लखनऊ से अनुभव हैं। दिल्ली चलते हैं क्योंकि एनडीए की बहुत बड़ी तस्वीर आने वाली है, जिसमें गुलदस्ता की तरह लगेगा कि सभी सहयोगी दल मौजूद रहेंगे, सीएम मौजूद रहेंगे, और अब इसे लेकर के जो ताजा अपडेट है वो अविनाश हमारे सामने रखेंगे। जी अविनाश, देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन से निकल के संसद भवन पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ एनडीए के जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी संसद भवन पर पहुंच चुकी हैं। क्योंकि तमाम सारे जो नेता हैं उनको संसद भवन के लिए पहुँचने के लिए कहा गया है। नामांकन से पहले तमाम सारे नेता एक कक्ष में एकत्रित होंगे और वहाँ पर सभी लोग द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर 12:30 बजे कमरा नंबर 29 जो कि पार्लियामेंट का है वहाँ पर नामांकन के लिए आगे जाएंगे। फिलहाल अगर अभी बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देर में उत्तराखंड सदन से निकलने वाले हैं और धीरे धीरे करके जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अब पार्लियामेंट की ओर जा रहे हैं, यानी कि संसद भवन पहुंच रहे हैं। और 12:30 बजे जब वहां पे नामांकन किया जाएगा, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कद्दावर नेता वहां पे मौजूद रहेंगे बल्कि जो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं उनकी ओर से भी कोई ना कोई प्रतिनिधि मौजूद रहेगा, जेडीयू की ओर से भी तमाम सारे लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा की सत्तारूढ़ पार्टी है उसने भी अपने समर्थन का ऐलान किया है और खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि उनकी ओर से राज्य के दो मंत्री संसद भवन में मौजूद रहेंगे और नामांकन के दौरान वो इसके साक्षी बनेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस जो कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है उसने भी समर्थन का ऐलान किया है। अगर वोटों के आप आंकड़े को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से आंकड़े हैं और अगला जो राष्ट्रपति है वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनना तय है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी। केवल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जब 18 जुलाई को मतदान हो तो मतदान में जब मतदान प्रतिशत वहां पे हो तो उसके बाद जितने भी आंकड़े हैं वो विपक्ष से काफी आगे रहे, यानी कि जीत का जो अंतर रहे वो काफी ज्यादा वोटों से रहे। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी लगी है और यही कारण है कि लगातार राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम सारे जो विरोधी दल हैं उनसे भी संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तक से संपर्क साधा गया था अपने उम्मीदवार के नामांकन के पहले, जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती तो इसके पहले, और तमाम सारे जितने भी विपक्षी दल हैं सभी से बातचीत की जा रही है कि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन करें जिससे कि एक बड़ी जीत दर्ज हो सके। क्योंकि बीजेपी पहली बार किसी महिला को अपना उम्मीदवार बनाई है, इसके पहले अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किसी उम्मीदवार को उतारा है राष्ट्रपति पद के लिए तो हमेशा पुरुष ही रहा है, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को उतारा है और ऐसी महिला को उतारा है कि जो कि आदिवासी समुदाय से आती है, क्योंकि आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति आज तक राष्ट्रपति नहीं हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी जाए तो एक भारी अंतर हो जीत का, और यही कारण है कि लगातार ज्यादा ना हो इसी की रणनीति को लेकर के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग बुला चुके हैं और वहां से हमारे सहयोगी अनुभव हैं और उनके पास रुक करते जो आपकी बात है वही सवाल बनेगी अनुभव के लिए। क्योंकि अनुभव देखिए, यहां पर जब संपर्क साधा जा रहा है कि किस तरीके से इस विजय को और बड़ा किया जाए, वृहत स्तर पर ये जीत दिखाई दे, और समाजवादी पार्टी की रणनीति यही होगी कि अगर आंकड़े इशारा करते हैं कि एनडीए का ही कैंडिडेट जीतेगा तो उसका जो मार्जिन है वो अंतर कम से कम रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं इस मीटिंग को लेकर के, क्या अपडेट है? देखिए तस्वीरें दिखाएं, तमाम सारे जो विधायक हैं वो जा रहे हैं पार्टी कार्यालय में और अब कुछ सांसद भी हमें ज़रूर यहाँ पर दिखे हैं और कुछ विधायक जो हैं वो पहुँच रहे हैं। हालांकि 10:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी जब अखिलेश यादव पहुँचेंगे, लेकिन सामने जो हॉल है वहीं पर ये बैठक होगी और मकसद यही है
कि एक तो यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना एक कैंडिडेट बनाया है, उनके कैंडिडेटचर को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो बैठक की उसमें अखिलेश यादव को भी बुलाया था और जयंत चौधरी को भी बुलाया था। अब समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 111 विधायक हैं, लोकसभा के 5 सदस्य जीते थे 2019 में, लेकिन 2 सीटें खाली हैं वहाँ पर, तो आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। उसके जो नतीजे होंगे वो तो होंगे ही, अगर जीतती है पार्टी तो 5 लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर संख्या कम रह जाएगी। वैसे 3 सांसद अभी जो हैं वो आज पहुंचेंगे जो लोकसभा के हैं, राज्यसभा में भी अभी 3 सदस्य हैं तो उनको भी बुलाया गया है, हालांकि रेवती रमन सिंह भी हैं, इसके अलावा शंबर निशान, इन लोगों का कार्यकाल जो है वो 6 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में इनको नहीं बुलाया गया। जया बच्चन है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव है और जावेद अली, क्योंकि वो नवनिर्वाचित हैं और वो उनकी भी शपथ हो जाएगी 4 तारीख के बाद, तो उनको भी बुलाया गया। तो कुल आप देखिए तो 6 तो सांसद हो गए, हर एक सांसद के वोट का जो वेटेज है उत्तर प्रदेश में वो 700 है, यानी 700 को गुणा करिए 6 से तो वो वेटेज हो जाता है 4200, और अगर विधायकों की संख्या को आप देखिए तो वो 111 है समाजवादी पार्टी के जो अपने विधायक हैं, 208 पूरे देश में सबसे ज्यादा जो वेटेज है विधायकों के वोट का वो यूपी का है, वो 208 है, तो 208 को 111 से गुणा करिए तो तकरीबन 22-23 हजार के आसपास वो जाती है संख्या। इस तरीके से कुल जो वोट का वेटेज समाजवादी पार्टी का अपना है वो 26 हजार के आसपास है, तो इसीलिए आज ये बैठक बुलाई है। अखिलेश देखिए गाड़ियां निकल रही हैं और बैठक में यही रणनीति तय होगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, अलग तरह का इलेक्शन होता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, बैलेट पेपर दिया जाता है, उसमें आपको 1, 2, 3 अपना प्रेफरेंस लिखना होता है कि किसको आप पहले नंबर पर चाहते हैं, किसको आप दूसरे नंबर पर चाहते हैं, किसको आप तीसरे नंबर पर चाहते हैं, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब वोटों की गिनती होती है तब प्रेफरेंस के आधार पर होती है। बहुत सारे नए विधायक हैं इस बार, अगर हम कहें तकरीबन 30% इस 111 में, तो उन नए विधायकों को पता नहीं है कि कैसे इस इलेक्शन में वोट डाला जाएगा। 18 जुलाई को वोटिंग होगी, वोटिंग अलग तरीके से है, पेन भी जो है वो निर्वाचन आयोग देता है, उसी पेन से आपको अपना प्रेफरेंस लिखना होगा, कहीं कोई चूक हो गई, गड़बड़ी हो गई तो ये वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। इसलिए जो पुराने विधायक है जो तीसरी बार चौथी बार जीते हैं वो लोग भी आ रहे हैं, उनको भी बुलाया गया है, और वो एक तरीके से बताएंगे भी नए विधायकों को कि आपको कैसे वोट करना है। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिली है कि कुछ प्रस्तावक भी समाजवादी पार्टी के बन रहे हैं, उनसे भी आज सिग्नेचर कराया जाएगा, यशवंत सिन्हा का जो नामांकन पत्र है उस पर समाजवादी पार्टी के प्रस्तावकों से नामांकन भी कराया जाएगा। अभी फिलहाल कुछ विधायक ही पहुंचे हैं, अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है, वो अभी अपने आवास पर ही हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे और जब वो पहुंचेंगे तभी ये बैठक शुरू होगी। बिल्कुल अनुभव, देखिए 10:30 बजे का वक्त है और अखिलेश कब तक पहुंचते हैं, बाकी जो हलचल है वो तो दफ्तर की आपने दिखा दी, सपा कार्यालय जहां वोट वैल्यू सबसे ज्यादा यूपी के विधायक सांसदों की है इसके मद्देनजर, और नए विधायकों की ट्रेनिंग इसके मद्देनजर ये बड़ी बैठक है, क्या निकल के आएगा आपसे जानेंगे, और हमारे सहयोगी अविनाश लगातार दिल्ली पर नजर जमाए हुए हैं कि किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया में एक बड़ी तस्वीर निकल करके एनडीए की ओर से सामने आएगी। आप दोनों का शुक्रिया अविनाश अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।